वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ आपकी होस्ट भावना शर्मा। सेंट्रल इंडिया के मेजर बिजनेस हब में शामिल रायपुर में आज ये महामंच है देश के नंबर वन न्यूज चैनल नेटवर्क न्यूज 18 का, जिस पर करोड़ों व्यूअर्स का विश्वास टिका हुआ है, क्योंकि हम आप तक सबसे पहले सटीक खबरें पहुंचाते हैं। आपसे जुड़े हर मुद्दे को उठा करके हम आपकी आवाज बनते हैं। न्यूज 18 हमेशा उभरती हुई कला को सलाम करता है, इसीलिए आपके लिए हर बार अलग अलग इसी तरह के आयोजन जो है उसको साकार करता रहता है। आज भी हम इस महामंच पर मौजूद हैं। आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूं। आज इस महामंच पर हम फेलिसिटेट करेंगे रायपुर में छत्तीसगढ़ के अलग अलग उन लोगों को जिन्होंने अपने विजन और डेडिकेशन से शानदार प्रदर्शन किया है, साथ ही में यहाँ के बिजनेस सेक्टर को आगे बढ़ाने में अपना खास योगदान दिया है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक आवर पार्टनर्स। जी हाँ, हम शुक्रगुजार हैं उन सहयोगियों के जिनके सहयोग से आज इस शाम को साकार किया जा सका है। हमारे पार्टनर्स हैं बालको मेडिकल सेंटर, डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, रामा टीएनटी, ब्लू डोर इंटीरियर, एनएच कैंसर केयर, एलआईसी, अहूजा अगरबत्ती, फिक्सिंग डॉट्स, सोशल स्पार्क, स्विच सॉल, दूल्हे साहब, एथना वर्ल्ड स्कूल, केनरा बैंक, केसर अर्थ सॉल्यूशंस, उर्मिला मेमोरियल हॉस्पिटल, श्री नारायणा हॉस्पिटल, पल्लव इंडिया हर्बल यूनाइटेड, सुयश हॉस्पिटल। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी सहयोगियों के लिए। हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर, हमारी विशिष्ट अतिथि हमारे बीच मौजूद हैं, चित्रांगिता जी। इस कार्यक्रम में शायद ही कोई ऐसे मेहमान होंगे जो आपके नाम से वाकिफ नहीं है। सिल्वर स्क्रीन पर आपकी सिजलिंग परफॉर्मेंस से हम सब कहीं ना कहीं पे देख चुके हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कृपया मंच पर आइए। और अब मैं न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के डेप्यूटी एडिटर अभिषेक शुक्ल जी से अनुरोध करूंगी, वो कृपया मंच पर आएं और चित्रांगदा जी की जर्नी वो हमारे साथ साझा करेंगी वन टू वन सेशन में अभिषेक शुक्ल जी के साथ। चित्रांगदा जी, आपके इंटरव्यू छत्तीसगढ़ वालों ने बहुत सारे देखते रहे हैं अभी तक। मैं आपसे बातचीत की एक औपचारिक शुरुआत करूं, उससे पहले मैं सभी दर्शकों को बता दूं कि चित्रांगदा जी खास तौर पे छत्तीसगढ़ यहाँ पहुँची हैं और पहली बार छत्तीसगढ़ आई हैं। किस तरीके से छत्तीसगढ़ के बारे में उनकी जानकारी है, क्या छत्तीसगढ़ के बारे में सोचती हैं, आप लोगों से खास तौर पे मिलने के लिए यहाँ पहुँची हैं, बहुत सारी क्यूरियोसिटी भी उनके जहन में थी, बहुत सारे सवाल उन्होंने मुझसे भी किए छत्तीसगढ़ को लेकर, अब सवाल हम करेंगे। एक्चुअली ये बिल्कुल सही है। पहले तो हेलो एवरीबडी, थैंक यू सो मच। यहाँ पर कभी पहले आई नहीं, और वो होता है ना, आप बुक्स में पढ़ते हो छत्तीसगढ़ एंड देन यू मतलब यहाँ पे माइनिंग होती है, कितनी इम्पोर्टेंट कमर्शली कितनी इम्पोर्टेंट है ये जगह, तो ऐसी चीज़ें मतलब आप सिर्फ बुक्स में पढ़ते हो। फर्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ और मुझे ऐसा कुछ भी इंडस्ट्रियल नहीं लगा। बहुत ही ग्रीन, बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी थी। और मेरे को चांस मिला एक हॉस्पिटल विजिट, जो आई थिंक न्यू डेवलपमेंट है, राइट? या सो वो तो बहुत ही आई मीन बॉम्बे से तो बहुत बेटर है, दिस इज़ मच बेटर। सो इट वॉज़ ब्यूटिफुल। तो ऐसा तो मुझे कुछ इंडस्ट्रियल नहीं फील हुआ, बट यू नो बुक्स में आप पढ़ते हो एक 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 जगह की एक आप पहचान अपने दिमाग में एक जहन में आप बिठा लेते हैं कि ये ऐसा ही होगा, तो वैसा मुझे कुछ नहीं लगा। आई लव द हॉर्सेज, एज यू लैंड एयरपोर्ट पे दैट इंस्टॉलेशन वॉज लवली। सो या मुझे बहुत अलग लगी जो मैंने सोचा था जैसा होगा रायपुर। यही खासियत है, हमारा मकसद भी यही है कि छत्तीसगढ़ को लेकर एक इमेज यहाँ पर बनी हुई है कि नक्सलवाद या फिर ट्राइबल एरियाज तो हैं डेफिनेटली, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, और जो कुछ योगदान है, देन है, अलग अलग फील्ड के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बिजनेस फील्ड के हैं, मेडिकल फील्ड के हैं, तमाम अचीवर्स हैं, इन्होंने छत्तीसगढ़ को पिछले 23 साल में जिस जगह पर पहुँचाया, वो मॉडल, वो छत्तीसगढ़ भी हम लोगों को दिखाना चाहते हैं। बहरहाल छत्तीसगढ़ की हम बात आपसे कर रहे थे, आपकी भी बात कर लेते हैं। मैंने जितना आपके बारे में जाना पढ़ा, शायद आपने पहले सोचा नहीं था कि बॉलीवुड में आना है। कैसे ये बॉलीवुड में न्यूज़ क्या न्यूज, सोचा था? न्यूज़ वाले का पता नहीं क्या क्या ढूंढ के निकाल सकते हैं, यू नेवर नो। हाँ, पहले नहीं सोचा था कि एक्टिंग करूँगी या कुछ। मेरे फादर आर्मी में थे और मेरा भाई उस समय गोल्फ खेलना शुरू किया, उसने, एक बहुत महंगा स्पोर्ट है,
एक आर्मी ऑफिसर के लिए तो बहुत महंगा है. सो उस समय मुझे पॉकेट मनी चाहिए थी कॉलेज में, तो मैंने मॉडलिंग शुरू करी. तो कभी ये नहीं सोचा कि एक्टिंग करूँगी या एक्ट्रेस मतलब या मुंबई जाऊँगी, ऐसा तो कभी, वो तो बहुत दूर थी मेरे लिए, तो ऐसा तो कभी नहीं सोचा है. यू राइट. नहीं तो क्या सोचा था आपने, क्या बनेंगी, क्योंकि कॉलेज तक तो आई थी तो कुछ तो दिमाग में चलता होगा कि हाँ ये बनना है. मॉडलिंग पैसे के लिए आपने, पॉकेट मनी के लिए की, लेकिन कुछ ड्रीम रहा होगा, कुछ सोचा होगा. उस समय मैं फूड एंड न्यूट्रिशन कर रही थी दिल्ली कॉलेज, लेडी इरविन कॉलेज से. तो मुझे लगा मैं न्यूट्रिशनिस्ट बनूंगी, यू नो, उसमें काफ़ी इंटरेस्ट था, कुकिंग एंड वट एवर वो सब. सो आई थॉट आई बिकम अ डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट. पर उसके लिए भी बैंगलोर में बेस्ट कॉलेज था, तो उसके लिए भी ट्रैवल, उसमें भी इन्वेस्टमेंट थी, तो उसके लिए भी पापा से पैसे मांगने पड़ते. सो आई मीन ऑनेस्टली कॉलेज की थर्ड ईयर तक बहुत वेग था, लाइक मैं क्या करना चाहती हूँ. ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे यही बनना है. Life has a lot to do with where I am today. So I'm very thankful. जो भी coincidences हुए मेरी life में, I'm sitting here. So I'm very thankful. Modeling करते हुए आप एक गुलजार साहब के एक video में भी नजर आई थी. बड़ा ही खूबसूरत video था. वो कैसा, आपने modeling से कैसे वहाँ video में कैसे पहुँच गया? ये बड़ी funny सी एक मतलब वो है. सो हम लोग मतलब जब आप मॉडलिंग करना शुरू करते हो, आप एक पोर्टफोलियो बनाते हो. दिल्ली में मैं शुरू किया था, तो आप वो एजेंसीज के चक्कर काटने पड़ते हैं, आपको अपनी फ़ोटोज़ देनी पड़ती हैं, फिर आप ऑडिशंस के लिए जाते हो. तो मैंने ऑडिशन किया था एक एक पाउडर, टैल्कम पाउडर के ऐड के लिए. तो मुझे वो ऐड नहीं मिला, लेकिन किसी तरह से वो ऑडिशन गुलजार साहब के पास पहुँच गया. एंड वो अपनी पहली म्यूज़िक वीडियो डायरेक्ट करने वाले थे, और मेघना गुलजार उनकी जो डॉटर हैं वो प्रोड्यूस करने वाली थी, एंड संजय सूरी उसमें एक्ट करते, एंड गुलजार साहब की उसमें शायरी थी. सो somehow वो टैल्कम वो पाउडर ऐड तो नहीं मिला मुझे, बट वो ऑडिशन उन्होंने देखा है, उनको कुछ लगा कि भाई ये लड़की में कुछ है, परफॉर्मेंस कर सकती है, सिर्फ मॉडलिंग नहीं है, फेस इंटरेस्टिंग है, तो उन्होंने मुझे कास्ट किया. यू नो आई रियली बिलीव कि कहीं ना कहीं ज़िंदगी आपको जहाँ ले जाना चाहती है आप वहाँ पहुँच जाते हो किसी तरीके से, क्योंकि सच में आई हैड नॉट थॉट कि ऐसा होगा. सो या जो न्यूट्रिशन बनना चाहता था वो मॉडल बना, पहले मॉडल से वीडियो में आया, और वीडियो से फिर बॉलीवुड में कैसे जंप लगा दिया? अगेन एक मतलब कोइंसिडेंस है, क्योंकि मैं वो ही गुलजार साहब का ही म्यूज़िक वीडियो, स्वानंद किरकिरे अभी तो नेशनल अवार्ड विनर हैं, लिरिसिस्ट हैं, तो वो उस समय सुधीर मिश्रा जी के लिए असिस्ट कर रहे थे एंड ऑडिशंस कर रहे थे गीता राव के कैरेक्टर के लिए, जो जो हज़ारों जो मैंने कैरेक्टर किया. सो दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, तो वहाँ बहुत ही अच्छे एक्टर्स हैं, तो उनको ऑडिशन करने के लिए आए थे. एंड आई थिंक उनका लास्ट डे था, वो बैंगलोर भी गए थे, कैलकटा भी गए थे, पर आई थिंक सुधीर वॉजन हैप्पी कि मतलब मुझे मेरी गीता नहीं मिली अभी तक. एंड लास्ट डे ऑफ ऑडिशन था, तो जो इंसान नीरज, आई स्टिल रिमेंबर हिज नेम नीरज, थैंक हिम, जिन्होंने गुलजार साहब का वीडियो प्रोड्यूस किया था, वो स्वानंद को हेल्प कर रहे थे, तो उन्होंने कहा एक लड़की है उसको लास्ट डे बुला लो. सो स्वानंद सेड नहीं नहीं, सुधीर ने बोला है कोई मॉडलिंग नहीं होनी चाहिए, मॉडल बिल्कुल नहीं चाहिए हमको, एंड ये वो. सो लास्ट डे ऑफ द ऑडिशन उन्होंने मुझे बुलाया, और मैंने कच्चा पक्का कुछ ऑडिशन किया, पर कुछ उनको बहुत अच्छा लगा, एंड उन्होंने सुधीर को कहा कि आई नो यू डोंट वॉन्ट अ मॉडल, पर आप ये देख लो, और मुझे दो दिन और दो, मैं उसके साथ काम करके एक और अच्छा सा ऑडिशन भेजूंगा, बिकॉज आई वॉज जस्ट लाफिंग इन दैट ऑडिशन. मुझे लगा मिलना मिलना तो है नहीं, एनएसडी वाले सारे बैठे हुए हैं, कोई चांस ही नहीं है. सो एंड ही गेव मी अ वेरी डिफिकल्ट सीन ऑफ हज़ारों, एक एक पुलिस स्टेशन का सीन है, काफ़ी काफ़ी इंटेंस सीन है वो. सो या मतलब स्वानंद किरकिरे, थैंक्स टू हिम कि उसने मुझ पे इतना यू नो फेथ किया, एंड देन आई गेव माय सेकंड ऑडिशन, माय थर्ड ऑडिशन, फिर सुधीर ने मुझे बॉम्बे बुलाया, और उन्होंने खुद अपने आप मेरा लास्ट ऑडिशन लिया. आई डोंट नो, इट्स अ कोइंसिडेंस, सच में डिवाइन इंटरवेंशन दैट आई गॉट द फिल्म. कभी सोचा नहीं था. पहली मूवी के बाद क्या, जब रिलीज हुई तारीफ मिली, किस तरीके से लोगों का रिएक्शन मिला, उसके बाद क्या लगातार फिल्में मिलती चली गई, क्या हुआ फिर? नहीं, बहुत लोगों को पसंद आया काम मेरा, और आई थिंक जितना मैंने सोचा भी नहीं था उससे ज़्यादा
तारीफ मिली, उससे ज़्यादा प्यार मिला. उतना आज तक मुझे लगता है कि जो मेरी पहली फिल्म है, कहीं ना कहीं वो गीता राव का कैरेक्टर, सब मतलब मुझे आकर कहते हैं कि इज़ द बेस्ट आई एवर डन. सो दैट डेफिनेटली. उसके बाद एक्चुअली मैंने ब्रेक लिया क्योंकि मैं मैरिड थी एंड फैमिली थी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी. सो आई टुक अ लॉन्ग ब्रेक ऑफ सिक्स ईयर्स, सिक्स एंड हाफ ईयर्स. एंड फिर मैं वापस आई थिंक 2009 में आई केम बैक अगेन. बहुत लंबा ब्रेक हो गया था जिसकी वजह से कम बैक हैड टू बी मेड. एंड उस पर थोड़ा लाइक आई थिंक यू लूज आउट ऑन वर्क. और मैं थोड़ा काम डेफिनेटली मैंने लूज किया. फिर वापसी कैसे हुई, क्या वो लम्हा था, कौन सा मोमेंट था कि आपको लगा वापस जाना चाहिए? आई एक्चुअली हैड माई सन, मेरा बेटा 2007 आई हैड माई सन. एंड उसके बाद आई थिंक मुझे कहीं ना कहीं एज अ हाउ डू आई से एज एन एक्टर, आई थिंक आप उस एक सैटिस्फैक्शन को मिस करते हो. लाइक यू वर्कड ऑन एवरी थिंग एंड आपने अपने सैक्रिफाइसेस किए, आपने अपने ड्रीम्स को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ के अपने फैमिली पर ध्यान दिया. बट आई थिंक फिर भी आप घूम कर एक वो जो एक अंदर एक जो चैन होता है या आप जो पीस को यू नो दैट यू डूइंग व्हाट यू लव डूइंग, आई थिंक आई वाज मिसिंग दैट. बट लकीली मुझे फ़ोन करने से पहले किसी को उनका फ़ोन मुझे आया. और आई हैव नेवर सेड दिस बिफोर बट विशाल जी, विशाल भारद्वाज की जो फिल्म थी जो उन्होंने विद्या के साथ करी फिर बाद में, बट दैट्स द फिल्म दैट हैड कम टू मी फर्स्ट. एंड उस समय मैं फिर भी कुछ फैमिली इश्यूज में आई वाज स्टक, जिसकी वजह से मैं वो फिल्म नहीं कर पाई. बट देन ऑनर केम टू मी, सो देन आई डिड हिज फिल्म. देसी बॉयज का सफर था कि उसके एक बड़ी सक्सेस वहाँ पे मिली. उसके बाद क्या बॉलीवुड में चेंज हुआ, किस तरीके से आपको क्या ऑफर्स की भरमार लगने लगी, क्योंकि आपने कहा कि कम बैक हुआ आपका, कम बैक के बाद एक अच्छी बड़ी हिट मिली. हाँ वो दैट्स ऑल्सो वेरी फनी. मैंने एक ऐड किया था एक स्किन केयर ब्रांड के लिए, इंटरनेशनल ब्रांड था, और आई थिंक अक्षय ने उसको देखा ऐड को टीवी पर कहीं. सो ही सजेस्टेड माई नेम टू रोहित, जिन्होंने फिल्म बनाई, रोहित धवन, उनकी पहली फिल्म थी वो. सो उसने भी देखा वो एड एंड दे रियली लाइक्ड मी. एंड आई थिंक रोहित ने डेविड सर से बात करी, डेविड धवन, एंड उन्होंने, वो सुधीर के बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो उन्होंने उनको कॉल किया. सो उस तरह से दैट्स हाउ आई मतलब एंडेड अप गेटिंग देसी बॉयज. एंड इट वॉज लाइक राइट अवे. ऐसा भी नहीं था कि आप ऑडिशन या कुछ, या ये तो बहुत ही मसाला है, अभी तक आपने ऐसा काम नहीं किया है. आई थिंक रोहित के साथ मैंने एक रीडिंग करी एंड I met Akshay straight on the sets first day in Scotland. उनसे पहले मैं उनसे मुलाकात भी नहीं हुई थी, but yeah, it just happened. आप बहुत फिट भी हैं, तो कोई टिप्स यहाँ बैठे लोगों को देना चाहेंगे, क्योंकि न्यूट्रिशन का कोर्स भी आपने किया है. हाँ एक्चुअली वहाँ पे जब हमको कैलोरीज का टेबल याद करना पड़ता था, तो आपको पता था कि एक स्लाइस ऑफ केक में कितनी कैलोरीज हैं और एक बनाना में कितनी कैलोरीज हैं, उसमें कितने कार्ब्स हैं, कितना फ्रक्टोज है. वो इतना सीख लिया ना दैट इट्स जस्ट सिटिंग इन माय हेड ऑलवेज. अब आई डोंट नो, मुझे लगता है कि एक्टिव रहना चाहिए. मुझे तो लगता है सिर्फ अच्छे दिखने के लिए नहीं, अच्छा फील करने के लिए यू हैव टू स्टे फिट. बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन करके बहुत से सवाल पूछे थे, पर सब सवाल करना पॉसिबल नहीं है. तो मैं चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, छत्तीसगढ़ियों के लिए कोई एक बढ़िया सा मैसेज आप दे दें यहाँ पर. सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि मुझे पता चला है कि कॉमर्स और ट्रेड को लेकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है सेंट्रल इंडिया में. एंड ऐसी बहुत सारी लोग हैं यहाँ पे जो इतना मतलब इम्प्रूव कर रहे हैं ऑफ द बिजनेस सेक्टर हियर. तो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप कि आप बहुत ही बड़ा नाम करें अपना. और जिस चीज़ के लिए जाना जाता है वो तो जाना ही जाता है, और इतनी ट्राइबल हेरिटेज है यहाँ पे, बट आई थिंक बियॉन्ड दैट इट शुड बिकम अ डेस्टिनेशन फॉर बिजनेस. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट. थैंक यू चित्रालता जी, हमसे बात करने के लिए, अपनी जर्नी शेयर करने. थैंक यू सो मच. थैंक यू चित्रांगदा जी, थैंक यू अभिषेक जी. लेकिन यहाँ पे मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूँगी, आप दोनों स्टेज पर बने रहें, बिकॉज अब वक्त है बुलंद हौसलों को सलाम करने का, उनको सम्मानित करने का. और अब हम जितने भी हमारे यंग अचीवर्स हैं, हमारे बिजनेस अचीवर्स हैं, हम उनको फेलिसिटेट करेंगे और
सबसे पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी वीरेंद्र सिंह राजपूत, मार्केटिंग एंड सेल्स हेड, डॉक्टर अजीत अग्रवाल फ्रॉम बालको मेडिकल सेंटर, लीडिंग कैंसर केयर हॉस्पिटल। अगला नाम है मिस्टर गौरव शुक्ला फ्रॉम डॉक्टर सी वी रमन यूनिवर्सिटी, मोस्ट प्रॉमिसिंग एजुकेशन पार्टनर। आगे बढ़ेंगे, मिस्टर पंकज सोमानी, डायरेक्टर रामा टीएमटी ब्रांड, प्लीज कम ऑन स्टेज। एक बार जोरदार तालियां। मिस दृष्टि जैन, फाउंडर ब्लू डोर इंटीरियर, प्रॉमिसिंग इंटीरियर डेकोरेटर। मिस्टर विजय बाजपेयी, मैनेजर फ्रॉम भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बालको। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। इस लिस्ट में अगला नाम है मिस्टर तपानी घोष, फैसिलिटी डायरेक्टर NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ट्रस्टेड हेल्थ केयर हॉस्पिटल। मिस्टर प्रखर गोलशा, डायरेक्टर रजत बिल्टेक, यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ स्टेट। मिस्टर वैशाख कुसरे, डायरेक्टर वीके एंटरप्राइजेस, यंगेस्ट इंटीरियर डेकोरेटर ऑफ स्टेट। डॉक्टर सुनील खेमका, मैनेजिंग डायरेक्टर श्री नारायणा हॉस्पिटल, लीडिंग हेल्थ केयर हॉस्पिटल। LIC जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। इस लिस्ट में अगला नाम है मिस्टर मोहन लाल अहूजा, मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अमित अहूजा, डायरेक्टर फ्रॉम अहूजा अगरबत्ती, प्रॉमिसिंग इंसेंस मैन्युफैक्चरर। मिस्टर जसमीत भसीन, मैनेजिंग डायरेक्टर केसर अर्थ सॉल्यूशंस, लीडिंग इंडस्ट्री। मिस विभा राजपूत, फाउंडर सोशल स्पार्क, एक्सीलेंस इन डिजिटल मार्केटिंग। मिस्टर प्रभात तिवारी, मैनेजिंग डायरेक्टर स्विटसॉल, लीडिंग सोलर मैन्युफैक्चरर। गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर प्रभात तिवारी। मिस्टर कैलाश बत्रा, डायरेक्टर दूल्हे साहब, लीडिंग ब्रांड इन एथनिक वेयर। मिस्टर विकास बजाज, डायरेक्टर एथना वर्ल्ड स्कूल, लीडिंग वैल्यूज इन स्कूल एजुकेशन। और हमारे अगले अचीवर्स हैं मेडिकल इंडस्ट्री से, डॉक्टर विवेक केशरवानी, डायरेक्टर डॉक्टर नितिन गोयल, डायरेक्टर डॉक्टर मनोज लाहौटी, डायरेक्टर सुयश हॉस्पिटल, लीडिंग हेल्थ केयर हॉस्पिटल। डॉक्टर चंद्र मुकेश, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन डिपार्टमेंट, उर्मिला मेमोरियल हॉस्पिटल। डॉक्टर पल्लवी मनुदेव गौड़ा, डायरेक्टर पल्लव इंडिया हर्बल यूनाइटेड, लीडिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर। जोरदार तालियां डॉक्टर पल्लवी मनुदेव गौड़ा के लिए। और इस लिस्ट में अगला नाम है रूपा मिश्रा, स्टूडेंट नीट क्वालिफायर। इन्होंने बहुत ही कठिन परिस्थितियों में नीट क्वालिफाई किया ड्यूरिंग हर 12th एग्जाम्स, फ्रॉम सचदेवा न्यू PT कॉलेज। विजय उपाध्याय, मैनेजर फ्रॉम केनरा बैंक। इस लिस्ट में अगला नाम है डॉक्टर नलिनी मधारिया, डायरेक्टर आशीर्वाद हॉस्पिटल, लीडिंग गायनेकोलॉजिस्ट। मिस्टर आकाश अग्रवाल, मिस्टर प्रकाश अग्रवाल, डायरेक्टर्स मिस्टर विकास चंद्राकर, मिस्टर प्रशांत चंद्राकर, डायरेक्टर्स अग्रवाल कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्ट्रैक्टर्स।
Mr. Ritesh Mundra, Director, Choice Holidays, Promising Tour Planner. अगला नाम है डॉक्टर राज मनहरे, डायरेक्टर, श्रीदानी केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इमर्जिंग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल. और इस लिस्ट में अगला नाम है दया सिंह, प्रेसिडेंट, बोल बम सेवा एवं कल्याण समिति. गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम. एक बार जोरदार तालियां चित्रांगिता जी के लिए और अभिषेक शुक्ल जी के लिए. आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद. और अब वक्त हो चला है इस मंच को विराम देने का. फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत. आई एम योर होस्ट भावना शर्मा, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.